वेकेशंस मनाने के लिए लोग अलग अलग डेस्टिनेशन जाने का सोचते हैं, अपनी पसंदीदा जगह जाने का प्लान बनाते हैं और कई लोगों की इस प्लानिंग में विदेश जाना भी शामिल होता है। लेकिन विदेश जाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है पासपोर्ट। ये बात लगभग सभी लोग जानते हैं, लेकिन पासपोर्ट से जुड़ी कुछ बातें ऐसी हैं जिसके बारे में जानना लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। आइए बताते हैं। सफर में जाने से पहले उससे जुड़ी हुई बातों के बारे में जान लेना चाहिए, और अगर विदेश जाना है तो वहां जाने से पहले पासपोर्ट के बारे में जानना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो ये कि आखिर पासपोर्ट होता क्या है। पासपोर्ट एक ऐसा दस्तावेज है जो विदेश यात्रा के लिए अनिवार्य है। इसे सरकार जारी करती है। इस दस्तावेज से पता चलता है कि आप किस देश के नागरिक हैं। साथ ही आपसे जुड़ी कई जानकारियां इसमें लिखी होती हैं। पासपोर्ट में दो कैटेगरी होती हैं। पहली कैटेगरी इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड यानी ECR और इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड यानी ECNR होती है। आइए अब आपको बताते हैं कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पासपोर्ट किस कैटेगरी का है और किस कैटेगरी के पासपोर्ट के लिए आपको क्या करना है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आपका पासपोर्ट ऑटोमेटिक ECNR कैटेगरी में ही बनेगा, लेकिन अगर आप पासपोर्ट बनवाते समय ये डिक्लेयर करते हैं कि आप 10वीं पास नहीं हैं तो आपका पासपोर्ट ECR कैटेगरी में आएगा। इस कैटेगरी में आने पर आपको पासपोर्ट में स्टैंप लगा मिलेगा, इसमें इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड लिखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ECR कैटेगरी वाले बिना इमिग्रेशन ऑफिस से क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए विदेश नहीं जा सकते हैं। वहीं नॉन ECR कैटेगरी में वो लोग आते हैं जिन्हें विदेश जाने के लिए किसी भी इमिग्रेशन ऑफिस में जाकर क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती। वीडियो डेस्क, अमर उजाला TV, नई दिल्ली। तो अगर आप भी विदेश जाने का सोच रहे हैं और इसके लिए पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में हैं, तो इन बातों का ख्याल जरूर रखें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े और आपकी जर्नी हैप्पी जर्नी बन जाए। अर्पणा दुबे, अमर उजाला TV, नई दिल्ली।